हेलो फ्रेंड्स, आई एम अपर्णा गांगुली फ्रॉम कोलकाता। आई एम सहज योगा प्रैक्टिशनर एंड आज हमारे साथ हैं राकेश देशमुख जी। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अच्छा राकेश जी, हाल ही में आपने संक्रांति के दिन एक ह्यूमा एड लैब्स में आपने एक शो करवाया था महालक्ष्मी पथ का, और आप हमसे जिक्र कर रहे जी थे कि बहुत अजीबो गरीब चमत्कारी कुछ कुछ चीजें हुए आपके साथ। तो हम हाँ जानना चाहेंगे, दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से महालक्ष्मी पथ आप दिखाए, कैसे आयोजन किया, क्या हुआ और अल्टीमेटली लोगों का क्या रिएक्शन रहा। ओवर टू यू, बताइए प्लीज। जी, थैंक यू अपर्णा जी। ये एक्चुअली जो शो का जो इनलाइन थी वो मकर संक्रांति फेस्टिव ओकेजन के हिसाब से किया गया था। तो 15 तारीख 15 जनवरी को मकर संक्रांति थी और उस दिन हमने नियोजित किया कि भाई कांजूर मार्ग में हम हुमा एड लैब्स में एक शो करेंगे। और इसके पीछे हमारे बैंड्रा की दो सहयोगिनी थी, सिस्टर्स थी, मोहिनी देसाई जी और शालू खन्ना जी। तो उन्होंने अथक परिश्रम किया था एक्चुअली इस शो को दिखाने के लिए। और पिछले 2.5 3 महीने से उनका ये परिश्रम चल रहा था, लोगों के पास जाना, कॉलेजेस स्कूल्स में बताना कि भाई हम इस तरह का एक शो करने चाह रहे हैं, या रियलाइजेशन किस तरह से हम शो के द्वारा उनको दिया जा सकता है। तो इसमें मजे की बात तो ये हुई कि हम लोगों ने सब अरेंजमेंट्स की और संजय जी से हमारी वार्तालाप हुई, हमने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने उनकी तरफ से भी हमें बहुत कोऑपरेशन मिला। और आखिरकार वो दिन आ गया कि जब हम शो के लिए तैयार हो गए। मुझे एक्चुअली बड़ी उत्सुकता थी कि ये शो हाउसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले हमने थाने में एक शो किया था, 3 शो किए थे और तीनों शो जो थे फर्स्ट डे का तो ऑलमोस्ट 100% हमने कैपेसिटी दे दी थी। उसके बाद वाले जो थे, क्योंकि वो वीकडे था तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी आई थी, लेकिन शो काफी अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हमारी चैलेंज ये थी कि एक तो ये मंडे था, वीकडे था, और दूसरा संक्रांति के दिन यहाँ महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, तो लोग जो महिलाएं होती हैं वो अपने घर में दूसरी महिलाएं को बुलाती हैं, और उस दिन खास बात यह होती है कि तिल गुड़ दिया जाता है, तिल गुड़ दिया जाता है और सबको स्वागत किया जाता है कि तिल गुड़ घ्या आणि गोड़ गोड़ बोला, मतलब आप मीठा खाइए और मीठा बोलिए हमारे साथ में। तो हम जब वहां पहुंचे हुमा एड लैब्स में तो 2:30 बजे में वहां पे पहुंच गया था, और हमारे एक सहकर्मी सहयोगी जिन्होंने बहुत अहम रोल इसमें निभाया था सब कोऑर्डिनेशन करने में, विजय जादव, तो हम दोनों मिले वहां पे। फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, अब लोग आना शुरू हो जाएंगे, देखते हैं कैसा क्या रिस्पांस मिल रहा है अपने को। इसके 2 दिन पहले की बात है, सोमवार को शो था और सैटरडे को हमारी बात हुई थी विजय से, मैंने उससे पूछा था कि भाई क्या रिस्पांस आ रहा है, तो उसने हमें ये बताया कि देखो अभी तक तो मैं सेंटर में जाकर के सिर्फ बताने का काम किया है, लेकिन ऐसे मेरे पास में कुछ हार्डकोर रिस्पांस आया नहीं है, हार्डली 20 22 लोगों का समर्थन आया है कि हाँ वो लोग आएंगे करके। मैं बड़ा चिंतित कि श्री माता जी आपने पिक्चर लगाई है और ऐसे कैसे सिर्फ 22 लोग। तो थोड़ा सा मन में डर भी लग रहा था कि भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या होने वाला है, लेकिन फिर मैंने समर्पण कर दिया कि एज ए ट्रू सहयोगी ये है कि हम अगर श्री माता जी के सामने समर्पित हो जाते हैं और श्री माता जी के ऊपर छोड़ देते हो तो थिंग्स स्टार्ट वर्किंग। तो 2:45 बजे कुछ लोग आए, देयर वाज अबाउट 40 50 सहयोगीज एंड सीकर्स, न्यू सीकर्स, और 3 बजे शो शुरू होने वाला है। और 3 बजे विजय को मैंने फोन किया, अब यहाँ पे कोई नीचे है नहीं और ऊपर की स्थिति बताओ क्या है। तो विजय ने बोला कि राकेश जी हॉल भर गया है एंड इट इज 100% फुल। मैंने कहा ये भीड़ आई कहाँ से, तो मतलब इतना आश्चर्य लगा मुझे, इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी कि अरे ये कैसे लोग कहाँ पे आ गए, मैं तो नीचे ही खड़ा था और लोग जिस तादाद में जा रहे हैं तो उसमें तो मुझे लगा नहीं कि भाई यहाँ 250 लोग वहां पे पहुंच गए, क्योंकि थिएटर की कैपेसिटी जो है वो 250 थी। तो 250 लोग वहां पहुंच गए, अब मैं बड़ा खुश, बाकी लोग खुश, जो जिन्होंने दो महिलाओं ने इतना अथक परिश्रम किया था वो भी बड़े, मतलब वो तो चमत्कार से कम नहीं था ये उनके लिए भी कि इतने लोग आ गए।
अच्छा उसमें मैं बताऊंगा आपको खास करके कि अप्रोक्सीमेटली 75% वर न्यू सीकर्स। अच्छा न्यू सीकर्स में भी कुछ तो सहजीवी लोग लेके आए थे, अपने दोस्तों को लेके आए थे और उनके रिश्तेदारों को लेके आए थे, और कुछ जो थे वो स्कूल के बच्चे थे। तो आमतौर पर यह होता है कि कोई भी पिक्चर होती है तो जनरली उसमें स्टारकास्ट जो होती है, स्टारकास्ट की वजह से एक्साइटमेंट होता है कि भाई इस पिक्चर में ऋतिक रोशन है, इस पिक्चर में विकी कौशल है या अमिताभ बच्चन है। अच्छा ये पिक्चर जो है महालक्ष्मी, इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं बच्चों को कि क्या है क्या नहीं है। हाँ बस स्कूल में बताया गया है भाई चलो बच्चे लोग पिक्चर देखने जाना है, और वो सब तैयार हो गए एक्साइटमेंट में। तो इतना सुंदर माहौल बन गया था थिएटर के अंदर में पिक्चर शुरू होने के पहले, तो सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो पिक्चर शुरू हो गई, उसके बाद जो एक्चुअल मजा है जो उसके बाद आई, 15 मिनट के बाद में मैनेजर, मैं तो आ जा रहा था, आई वॉज नॉट सिटिंग देयर इन दी थिएटर, तो मैं बाहर कोऑर्डिनेशन कर रहा था, दो तीन सहयोगी और नीचे थे जो आ गए थे। फिर मैनेजर का अचानक फोन आ गया मेरे को कि सर नीचे 25 लोग वेट कर रहे हैं, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वॉज 3:30। अब मैं परेशान, ये 25 लोग कौन आ गए भैया? तो पता ये चला कि 25 लोग जो है उन्होंने बाकायदा टिकट टिकट खरीदे हुए थे, और किसी वजह से ट्रैफिक जाम की वजह से वो फंस गए थे एंड दे केम लेट। अब जिन्होंने टिकट लिया है, सहजी हैं, उनके साथ में सीकर्स हैं, उनको बिठाना तो मतलब लाजिब है भाई, अब क्या करें। तो मैनेजर से रिक्वेस्ट की मैंने कि आप कुछ करो भाई इसमें, तो बोले सर हम किसी को ऐसे सीढ़ियों पे भी नहीं बिठा सकते क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, और वहां पे अगर आ गया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। हमने कहा अच्छा कुछ तो करना पड़ेगा, हमने कहा कि शो को रोक सकते हैं 2 मिनट के लिए? तो बोले हाँ शो को रोक सकते हैं। तो इमिडिएटली शो को रुकवाया गया, और फिर हमने अनाउंसमेंट की कि जो हमारे सहजी भाई हैं जिन्होंने पहले से पिक्चर देखी हुई है कुछ वो, और कुछ जो वॉलंटियर्स हैं प्लीज अपनी अपनी जगह छोड़ दें क्योंकि हमारे यहाँ 25 लोग नीचे वेट कर रहे हैं एंड दे हैव टू बी अकोमोडेटेड। तो भैया सहजी लोग तो तुरंत आदेश मानने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं, आ गए नीचे धड़ल्ले से एकदम, सर हम तो बाहर चले जाते हैं नो प्रॉब्लम। हमने कहा नहीं आप यहाँ रुकिए, हम पहले और थोड़ा बंदोबस्त करते हैं। फिर हमने स्कूल के जो बच्चे थे तो वो क्योंकि दुबले पतले थे तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि भैया आम करो एक एक सीट में दो दो लोग आ जाओ एडजस्ट हो जाओ। अच्छा वो बड़ी खुशी से एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये मैं साथ में बैठूंगा मैं साथ में बैठूंगी करके वो लोग अपना एडजस्ट हो गए एंड वी कुड अकोमोडेट 25 सीट। अच्छा इसके अलावा 25 सीट के अलावा जो छोड़ मतलब जो जिन्होंने सीटें ये कर दी थी, रिक्त कर दी थी, हमारे सहजी भाई जो थे उनकी सीटें वैसी की वैसी ही थी, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप जाइए अपनी सीट ग्रहण कर लीजिए, आप पिक्चर देखिए। ये मजा हो गया। 3:40 को फिर फोन, सर नीचे 5 लोग और हैं उनको एडजस्ट करना है। तो भैया हमने कहा श्री माता जी आप तो चमत्कार के ऊपर चमत्कार किए जा रहे हो, ये क्या हो रहा है? फिर हमने मैनेजर से कहा कि ठीक है भैया ये 5 लोगों को हम एडजस्ट कर लेते हैं कैसे भी करके, इसके बाद जो भी आएगा उनको हम ना कर देंगे, उनके लिए हम वापस स्क्रीनिंग करेंगे या जो भी रहेगा उनको बोलेंगे कि बाद में आइए करके। आश्चर्य की बात यह है कि हमारे एक सहयोगी सहयोगी नहीं सिस्टर, वो अपने पति को, दो छोटे बच्चों को और अपनी सास को पहली बार पिक्चर दिखाने के लिए ले आई थी, मतलब ये पिक्चर देखने के लिए। एंड देवर उसके जो पति हैं वो आते जाते रहते हैं सेंटर में, लेकिन ही वॉज कंपेरेटिवली न्यू, सास भी नहीं थी उसमें। इतनी अंडरस्टैंडिंग उसमें कि वो बेचारे, वो उन्होंने पांचों सीट खाली कर दी, वो बाहर आ गए हॉल के। मैंने कहा आप क्यों हॉल के बाहर आ गए, हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं। बोले नहीं, नए सीकर्स हैं, नए सीकर्स को आप जाने दीजिए, हम तो बाद में देख लेंगे, श्री माता जी का आशीर्वाद है हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने सास को समझा दिया है, शी इज अंडरस्टैंडिंग, मैंने हस्बैंड को भी बोल दिया है कि हम बाद में देख लेंगे पिक्चर, एंड दे वॉक्ड आउट लिटरली। तो मतलब मुझे उस दिन थोड़ा सा खराब इस बात का लगा कि हम इतने लोगों को एडजस्ट कर पाए लेकिन इनको बेचारों को छोड़ करके जाना पड़ा, मूवी छोड़ के जाना पड़ा। बट एट द सेम टाइम देखिए कि कितनी भक्ति है और श्री माता जी में कितना विश्वास है, और दूसरी बात कि ये है कि नहीं नए सीकर्स को मिलना चाहिए,
हम तो बाद में देख लेंगे, हम तो माँ के ही बच्चे हैं, हम तो कभी भी देख लेंगे, लेकिन नए सीकर्स को लाना बहुत जरूरी है। तो दैट वाज एन अमेजिंग थिंग, मेरे लिए एक और मिरेकल था वो पिक्चर। वही इंटरवल के बाद, इंटरवल पे मैंने कोऑर्डिनेटर्स लोगों के साथ बात की, मोहिनी देसाई नीचे उतरी हुई थी, तो बोली कि भैया देख रहे हो क्या, श्री सब श्री माता जी का कमाल है, इतने लोग और इतनी अच्छी तरह से रिसीव कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमें इन लोगों को रियलाइजेशन देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पिक्चर में तो है रियलाइजेशन। मैंने कहा पिक्चर में रियलाइजेशन है, लेकिन जब हम पिक्चर के बाहर आकर के इनसे खुद बात करते हैं कि नहीं ये चीज है, आप कृपया इस तरह से बैठिए, अपने जूते निकाल करके बैठिए, चश्मा निकाल करके बैठिए, और जो आपने देखा है वही चीज हम आपके साथ दोहराना चाह रहे हैं, तो उस समय जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल होगी वो अलग तरीके की होगी। और अभी तक पिक्चर देखने के बाद में वाइब्रेशंस ऑलरेडी फ्लो हो रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेटरी जो चैतन्य लेवल है उसी वजह से वो और आकर्षित हो जाएंगे कि हाँ और कुछ नया हमको मिल रहा है करने के लिए। तो ये जैसे ही डिसाइड हो गया, तो हमारे साथ में एक सतीश ठाकरे जी हैं जो एनजीओ चलाते हैं कृषि, सहज कृषि के ऊपर में, और हेमंत भैया थे, हेमंत मिस्त्री जी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा बिल्कुल जैसे ही पिक्चर खत्म होगी हम लोगों को बोलेंगे आप बैठे रहिए और फिर हम रियलाइजेशन देंगे। तो पिक्चर खत्म होने के बाद में ये जाहिर सी बात होती है कि जैसे ही कास्टिंग शुरू हो जाती है लोगों को जल्दी हो जाती है, अच्छा मुंबई ऐसी जगह है कि जहाँ पे लोग काफी दूर दूर से आते हैं, तो उनको बस पकड़नी होती है, गाड़ियां पकड़नी होती है, ये तो सब लोग उठ के खड़े हो गए। तो हमने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं आप लोग बैठिए, अभी 10 मिनट का और कार्यक्रम है, अभी जाना नहीं है, क्योंकि रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा और उसके बाद जो मेन कार्यक्रम है हमारा, जो तिलगुड़ देना है आपको और लेडीज लोगों को हल्दी कुमकुम देना है, तो वो कार्यक्रम अभी बाकी है, जैसे जैसे लोग नीचे आएंगे वैसे वैसे हम उनको ये देंगे करके। तो लोग बड़े खुश, रियलाइजेशन का कार्यक्रम हो गया अति सुंदर, और आपको जब आप शेयर करेंगी फोटोग्राफ्स तो आप पाएंगी कि उसमें एक फोटोग्राफ में इतना चैतन्य दिख रहा है, फुल ऑफ वाइब्रेशन, तो बड़ा मजा आएगा आपको। मैंने शायद वीडियोस भी भेजी हुई है, आप वीडियोस भी चेक करना, उसमें बहुत ही सुंदर अप्रतिम। और जब इन लोगों ने रियलाइजेशन लेने के बाद में ये लोग नीचे उतरे, नीचे उतरते समय सबको हमने हल्दी कुमकुम दिया, एक कुमकुम का छोटी लेडीज लोगों को हम लोगों ने एक ऐसी बॉटल सी दी छोटी सी, और जेंट्स लोगों को तिलगुल बांटा गया। उसके बाद हमने एक एक पैकेट दिया उनको, क्योंकि यहाँ की मान्यता ऐसी है कि जो भी आते हैं पिक्चर देखने के लिए उनको पूरी तरह से संतुष्ट करके बाहर निकलना है, क्योंकि लोग इतनी दूर से आते हैं, एक एक घंटा दो दो घंटे के कड़े परिश्रम करके आते हैं, तो ऑब्वियसली थक जाते हैं। पिक्चर का टाइमिंग कुछ ऐसे था 3 से 6 का, कि लोग अगर खा पी करके भी आते तो उनको शाम के 5 बजे 6 बजे भूख लग जाती। तो हमने क्या व्यवस्था की थी कि एक समोसा और एक गरम गरम वड़ा, इसकी व्यवस्था की थी, और एक पानी की बोतल व्यवस्था की थी। तो वो जैसे ही दिया हमने, लोग एकदम खुश, सब पैकेट लेकर के धीरे 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 प्रस्थान हो गए, और उसके बाद उन्होंने खाया पिया। अच्छा दौर ये था कि भाई खाना पीना तो चलता रहेगा, आप संतुष्ट तो हो गए, लेकिन आपकी टेक अवे क्या थी भाई, पिक्चर आपको कैसी लगी? तो हमने कई लोगों से जब पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आज के दौर की ये जो बनाई है आपने पिक्चर, बहुत ही उम्दा आपने सब्जेक्ट लिया है, क्योंकि जो आपने इसमें दिखाया है कि वायलेंस जो होता है आज के यूथ के साथ में, या सेक्सुअल अटैक जो होते हैं उसके ऊपर में, या विभिन्न तरीके की और चीजें जो आपने इसमें दिखाई हैं कि किस तरह से सहयोग में आने के बाद में बेनिफिट होते हैं, खुद डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये पिक्चर जो है, ये जो हम अन्य पिक्चर देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। तो इस बात से हमें बड़ा, मतलब बड़ी खुशी हुई कि भाई हाँ, पीपल आर रिसीविंग इट इन अ वेरी राइट मैनर। खास करके मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ में एक यहाँ के एक कॉलेज की प्रिंसिपल थी, जो सतीश ठाकरे की गेस्ट थी, और उन्होंने इतना सुंदर उसके बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली हम उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए, बट जो उन्होंने बताया कि भाई इस पिक्चर को देख करके हमें तो बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की पिक्चर्स और बननी चाहिए इसके ऊपर में। आपने
प्रैक्टिकल जो आज की दुनिया में हो रहा है उसको, उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर के स्पिरिचुअलिटी में आप उसको लेके आए हो, और इतने सुंदर तरीके से आपने उसको दिखाया है पर्दे के ऊपर में। वी आर वेरी ग्रेटफुल, और मैं तो लोगों को बोलूंगी कि भाई आप जाकर के पिक्चर देखिए, आप सहज योगा भी लीजिए। एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस, वो जो प्रिंसिपल मैडम है उन्होंने अपने स्कूल की एक जगह दी हुई है हम लोगों को सेंटर चलाने के लिए, तो हम लोग वहाँ पे सेंटर भी चलाते हैं और वो खुद भी आ जाती हैं कभी कभी सेंटर पे। तो ऑल इन ऑल आई थिंक द फिल्म वॉज रिसीव वेरी वेरी वेल, और ये खुशी जो है ना वो हम बयां भी नहीं कर सकते, इतनी खुशी हुई उस दिन हम लोगों को। और जो ये मिराकल जो है वो तो श्री माता जी ही कर सकती हैं। आई थिंक स्लोली स्लोली लोगों तक ये पहुंच रहा है, हम भी पहुंचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, काफी जगह पे बात हो रही है, और हो सकता है कि बहुत जल्द हम देखें कि हमारे और रूरल टाउनशिप्स में जैसे डोंबिवली हो गया या बदलापुर हो गया, अन्य जगह पे भी पिक्चर शायद लगेगी और इसी तादाद में लोग हम लोगों को रेस्पॉन्स देंगे आई थिंक। ओह थैंक यू सो मच राकेश जी, सुनकर भी अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत थी इतनी, आप उस मेहनत को आप लोग फल का स्वरूप दे रहे हैं। किस प्रकार से आप लोग जी अरेंज किए, एंड रियली कमेंडेबल कि आप तिल गुड़ एंड क्या बोलते हैं वो सिंदूर कुमकुम और हल्दी का आयोजन यस किए, वो भी बहुत ही अच्छे दिन में। आप सोचकर देखिए, संक्रांति इज अ बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग, संक्रांति दिन, न्यू यस बिगिनिंग्स, द डे ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। यस तो बहुत अच्छा है, एब्सोल्युटली होपफुली हम लोग और भी ऐसी सिमिलर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग चाहते भी हैं, ये देखना भी चाहिए लोगों को कि किस प्रकार से रियल लाइफ मिरेकल्स हुए हैं लोगों के साथ सिंस 1970। एब्सोल्युटली एक एक करेक्ट एक पर्सन का हम लोगों को दिखाना चाहिए कि हाउ द डिवाइन ग्रेस वर्क्स। एक्चुअली तो हमारा एब्सोल्युटली बहुत मिथ एब्सोल्युटली है ना, हमारे मनुष्य के ब्रेन में तो बहुत मिथ है। उनको लगता है भगवान का हाँ आशीर्वाद इज इक्वल टू वो चार हाथ लेकर, चार भुजा लेकर विष्णु जी आ जाएंगे, क्योंकि वही हमारे ब्रेन में है कि छोटे से छोटी बातें, जो इतना मिरेकुलस जो चीजें अपने आप घटती हैं, वो सटलिटी, वो जी जी सबलाइन जो फीलिंग्स हैं, वो हमें दिखानी चाहिए आस्ते आस्ते लोगों को। एब्सोल्युटली एक्चुअली कई लोगों का ये भी मानना है, मतलब कई लोगों ने मुझे जो अलग तरीके से फीडबैक दिया है उसमें ये भी कहा है कि सर आप फिल्म्स तो बना ही रहे हैं, फिल्म तो बनाइए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज का दौर जो है वो छोटे छोटे सीरियल्स या जैसे वेब सीरीज हो गई, उसके उसके द्वारा आप जो श्री माता जी के जो कुछ चमत्कार है उनको आप दर्शाइए ताकि ये लोगों तक ज्यादा पहुंचे। बिकॉज हमारे यहाँ एक मराठी में एक कहावत है कि चमत्कार को नमस्कार, तो जब लोग चमत्कार देखते हैं तभी नमस्कार करते हैं। तो लोगों का मानना ये है कि हमने कहा जरूर जरूर हम लोगों तक पहुंचाएंगे, हमारे लोगों तक, और कोशिश भी करेंगे कि इस तरह का कुछ हो जाए। बहुत बढ़िया राकेश जी, आज का हम ये इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करते हैं, और भी आपके साथ वार्तालाप करेंगे और हम लोग आइडियाज एक्सचेंज करेंगे इस प्रकार से। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आपके जीवन में कितनी खुशियां पा सकते हो, तो हम लोग चाहते हैं एक जो नए साधक आए हैं कि एक 5 मिनट के लिए आप कृपया हम जो बताते हैं वैसे खाली ध्यान करना है आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने जूते बाजू में हटा दीजिए, प्लीज, जो नए साधक है जूते बाजू में हटा दीजिए, और क्रॉस लेग मत रखिए, दोनों पैर अलग से रखिए,